चलो जी सीख लो कड़ी। मैं बहुत सिंपल तरीके से बनाती हूँ। देखो जी बन रहे हैं पकोड़े, बेसन के पकोड़े। ये देखो जी ऐसे निकालने हैं, स्लो गैस पे रखने आलू और प्याज के पकोड़े जो कि कड़ी में डालेंगे। देखो जी ऐसे इतना ही कलर होना चाहिए, इससे डार्क नहीं करना चाहिए, काले नहीं करने चाहिए। और हम इसको डालेंगे कड़ी। इधर बॉयल हो रही, दिखाओ जी कड़ी, कड़ी इधर पक रही है जी। देखो कड़ी को भी उबाले आएंगे। इतनी पतली पहले कड़ी रखी, उसके बाद इसमें पकौड़े ऐड कीजिए, बॉयल होने दिए, कड़ी पकनी चाहिए। अब मैं मेन चीज आपको बताती हूँ कि पकौड़े का बेसन कैसे बनता है, मैंने कैसे बनाया, और आलू प्याज कैसे डालने हैं। ये जो कांटे निकलते हैं ना साइडों में, ये निकलने जरूरी आलू प्याज के पकौड़ों में। ये जो नॉर्मल पकौड़े खाते हैं वही हैं, लेकिन हम लोग कड़ी में ऐसे ही डालते हैं। अब मैं दिखाती हूँ आपको बेसन कैसे घोलना है। सिंपल तरीका है, बेसन में आप आलू प्याज, दिखाओ जी आलू प्याज पतले पतले काटो, आलू छोटे और प्याज एकदम पतले पतले। और बेसन डालना है, अजवाइन डालनी है, नमक डालना है, लाल मिर्ची डालनी है, और हाथों से मसल के घोलना है। दो दो बूंद पानी डालना अगर चाहिए तो। उसके बाद हाथ में ऐसे लेना है, ये पकौड़े ऐसे बनते हैं, इतना पतला ये वाटरी होना चाहिए, तब पकौड़े आपके सॉफ्ट बनेंगे, नहीं तो पत्थर बनेंगे बिल्कुल, जो खाने में अच्छे नहीं लगेंगे। देखो जी अभी इसको हमने डालना है ऐसे तेल में, स्लो करना है और ऐसे डाल देने, गैस को धीरे रखेंगे और ऐसे। ये देखो तब बड़े साइज के कड़ी में इतने साइज के पकौड़े अच्छे लगते हैं। जब भी पकौड़े बनाने हैं एकदम गैस स्लो करना है, पहले तेज कर देना है डालते समय, लेकिन डालने के बाद एकदम स्लो कर देना, ताकि वो 5 मिनट स्लो गैस पे पकौड़े पकने चाहिए। हरी मिर्ची, लहसुन, कड़ी पत्ता, धनिया सब मिक्सर में उसको ग्राइंड कर देती हूँ, पीस देती हूँ, फिर तेल डाल के कड़ी पत्ता डाल के उसको मिर्ची मसाले को पका के फिर बेसन और ये दही को पतला करके मिक्सर में इसमें डाल देते हैं और अपने पकौड़े बना लेते हैं। रेडी हो गए पकौड़े। तो हेल्दी वाली कड़ी खानी है आपको, कड़ी खानी बहुत फायदेमंद है। आज बन रही थी, सुंदर पकौड़े आपको दिखा दिए कैसे बनाने हैं, और ऊपर से धनिया जरूर डालना है, बारीक धनिया, जितना भी ऊपर धनिया डालना है कड़ी के ऊपर वो अच्छा लगता है। तो कभी पूरी डिटेल में भी आपको बता दूंगी, कभी कभी क्या होता है बनते बनते मुझे याद आता है कि चलो मैं आपको चीजें बता दूं। तो ये पकौड़े बहुत गलत तरीके से लोग बनाते हैं, इसलिए मैंने बोला कि आज आपको पकौड़े बताती हूँ कि कड़ी में कैसे पकौड़े डालने चाहिए। देखो जी अभी इधर ये कड़ी को उबाले आएंगे, उबाले आते आते ही हम कड़ी को पकौड़े इसमें डाल देंगे, ताकि और इसमें सॉफ्ट हो जाएगी। चलो जी दिखाओ, देखो जी ऐसे डाल देंगे साथ में कड़ी को, तेज गैस पे उबाले आएंगे, 10 मिनट तेज गैस पे आएंगे, उसके बाद हम इसको कर देंगे स्लो, ढक के 10-15 मिनट पकेगी, हो जाएगी सुंदर वाली कड़ी रेडी। पकौड़े सॉफ्ट होने बहुत जरूरी है कड़ी के अंदर। देखो जी ऐसे कड़ी को उबाल आना चाहिए, देखो जब तक ऐसे उबाले ना आए ना 2-4, तब तक आपको स्लो नहीं करना, खूब तेजी से उबाले आते हैं फिर कड़ी अच्छी बनती है। देखो जी मैं पकौड़े सॉफ्ट खाती हूँ, इसके लिए जल्दी डाल देती हूँ, आप ट्राई करके देखो फिर कितने नरम और सुंदर पकौड़े बनेंगे। तेज गैस पे 3-4 उबाले आए कि उसके बाद हम लोग इसको कर देंगे स्लो गैस पे, ढक के पकनी चाहिए कड़ी। ये ऐसे बनती है कड़ी, आप बना के देखो इस स्टाइल की। 4-5 चम्मच खाली बेसन डालना और 1 बड़ा कप दही का डालना है, और हल्दी, हल्का सा नमक, मसाले जो भी आप डालना चाहो डालो, अदरक डालो, लहसुन डालो, पीस पास के डाल दो, बहुत आसान होते हैं जी खाने बनाने। वाह 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 जी, मजा आ जाएगा कड़ी खा के। देखो जी अभी अपने आप थोड़ी देर को गाढ़ी हो जाएगी स्लो गैस पे। थैंक यू वेरी मच जी, गॉड ब्लेस यू, खुश रहिए, मस्त रहिए, प्यारे प्यारे वीडियो देखते रहिए, बाय बाय।